हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फाइनली जियो बुक, जो जियो की तरफ से लैपटॉप आने वाला था, वो लॉन्च हो गया है। और ये कहाँ पे स्पॉट हुआ था वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गवर्नमेंट का ये साइट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे 10 यूनिट्स जो है वो ये साइट पे लिस्ट हुए थे। हालांकि ये जो है जनरल पब्लिक को तभी बाय करने के लिए नहीं दिया था जब 10 यूनिट्स लिस्टेड हुए थे। यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट के कुछ एम्प्लॉयज़ को इसको बाय करने का ऑप्शन था। हालांकि ये बहुत ही जल्दी अवेलेबल होने वाला है जनरल यूजर्स के लिए भी। तो अवेलेबिलिटी एंड प्राइसिंग की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली रूमर्स का ऐसे मानना है कि ये फ्लिपकार्ट पे लॉन्च हो जाएगा। और प्राइसिंग की बात करें तो जैसे ये पहले लिस्ट हुआ था गवर्नमेंट के साइट पे तो 19,500 में लिस्ट हुआ था, तो मोस्ट प्रोबेबली अंडर 20,000 आपको ये मिल जाएगा। और ये आपको 24th या 25th अक्टूबर 2022 से मिलना चालू हो जाएगा, क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि दिवाली के आसपास जो है इसको लॉन्च करेंगे जनरल पब्लिक के लिए। तो फ्लिपकार्ट पे आपको अंडर 20,000 ये लैपटॉप मिल जाएगा। हालांकि अगर इसके स्पेक्स एंड प्राइसिंग की बात करें तो इससे अच्छे भी लैपटॉप्स आपको अदर ब्रांड्स के साथ भी मिल सकते हैं। तो स्पेक्स के बारे में आगे बात करेंगे, पर देखते हैं कि कैसा इसका परफॉर्मेंस रहता है, उसके बाद में इसके बारे में और भी डिटेल में बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके डिस्प्ले के बारे में। तो ये आता है 11.6 इंच के डिस्प्ले के साथ में, और ये HD डिस्प्ले रहने वाला है। मतलब ये फुल HD नहीं है, 1080p नहीं रेजोल्यूशन मिलेगा इसके अंदर, अब 720p रेजोल्यूशन मिलने वाला है। ऑल्सो CPU एंड GPU की बात करें तो ऐसे माना जा रहा है कि वो जो लिस्टेड 10 यूनिट्स थे उसके अंदर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर था, मतलब क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर जो है वो यूज़ किया था, और एड्रिनो 610 GPU यूज़ किया था। और कोई का कहना ये भी है कि इसके अंदर आपको मीडियाटेक का प्रोसेसर भी मिल सकता है। एग्जैक्टली नहीं पता है, जब जनरल पब्लिक के लिए लॉन्च हो जाएगा तो पूरा स्पेक्स के डिटेल्स जो है वो हमारे सामने आ जाएंगे। पर अगर आप में से किसी को पता है इसके बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बता सकते हो। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये क्रोम बुक ही है जो गूगल की तरफ से बनाता है, वैसे ही सेम ये है। पर यहाँ पे जियो का बेनिफिट ये है कि एंड्रॉयड सिस्टम के ऊपर आपको जियो OS जो है वो डाला हुआ रहेगा। जैसे किसी स्मार्टफोन में ऊपर से एंड्रॉयड के ऊपर स्क्रीन रहता है, वैसे आपको एंड्रॉयड OS के साथ में जियो OS जो है इसके ऊपर आएगा। तो इसके लिए जियो के कुछ स्पेशल ऐप्स जो है वो फ्री ऐप्स का बेनिफिट जो है आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको 4G कनेक्टिविटी मिलेगा। अदर कनेक्टिविटी ऑप्शंस जैसे कि ब्लूटूथ वर्जन कौन सा रहेगा, या फिर वाईफाई में ड्यूअल बैंड रहेगा या नहीं रहेगा, उसके बारे में कुछ भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। हालांकि आप में से किसी को पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि हमारे व्यूअर्स को भी हेल्प हो जाएगा। बाकी बात करेंगे इसके बिल्ड क्वालिटी एंड स्टोरेज के बारे में। तो बिल्ड क्वालिटी में ये पूरा प्लास्टिक बिल्ड है और कुछ रबराइज टेक्सचर दिया हुआ है। स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया है कितना GB स्टोरेज रहने वाला है, पर रैम आपको 2GB का मिलने वाला है। अगर आप में से किसी को पता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि कितना इंटरनल मेमोरी इसके साथ आपको मिलने वाला है। ऑल्सो यहाँ पे आपको HD कैमरा मिलेगा जो कि वापस 720p रेजोल्यूशन के साथ आने वाला है, तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस इसका भी आपको मिल सकता है। ऑल्सो बाकी प्री इंस्टॉल ऐप भी यहाँ पे मिलेंगे, जैसे कि इन लोगों ने बताया हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट एड ब्राउज़र रहने वाला है और जियो के कुछ स्पेशल ऐप्स रहेंगे। प्लस इसमें आपको जियो क्लाउड PC का सपोर्ट भी मिलने वाला है। तो जैसे कि आपको पता ही है कि अभी ज़्यादा करके जियो जो है वो क्लाउड पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, जैसे मैंने एक रिसेंट वीडियो भी बनाया था क्लाउड गेमिंग के ऊपर, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेना, आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो है अभी क्लाउड के ऊपर चलने वाले हैं, और जियो अगर वो रीजनेबल रेट्स एंड कुछ कुछ सर्विसेज फ्री में अगर देता है तो ये इंडिया में काफ़ी अच्छा चीज़ होने वाला है। तो बेसिकली ये लैपटॉप किसी के लिए है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये लैपटॉप हैवी यूज़र्स या गेमर्स के लिए नहीं है, ये लाइट यूज़र या स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है जो कि स्कूल कॉलेज में इसको यूज़ कर सके, या फिर वर्किंग प्रोफेशनल जो स्पेशली सेल्स एग्जीक्यूटिव्स वगैरह होते हैं फील्ड पे दिन भर रहते हैं, तो उनको लाइट वेट एंड ईजी टू यूज़ लैपटॉप चाहिए। हालांकि आजकल के स्मार्टफोन ये सारे काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, पर आपको अगर टाइपिंग का वगैरह ऐसे काम है या फिर एक्सेल वगैरह चीज़ें कर रहे हैं तो आपको उसमें प्रॉपर लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए ये काम करने वाला है। हालांकि ये एंड्रॉयड सिस्टम के साथ आता है, विंडोज सिस्टम के साथ नहीं आता है, तो आपको उसके अंदर देखना पड़ेगा कि कौन से कॉम्पैटिबल माइक्रोसॉफ्ट के ऐप है वो उससे अंदर चल सकते हैं और आपके लिए यूज़फुल होगा या नहीं होगा। तो बाकी सारी चीज़ें जो है वो आगे आने वाले समय में पता चलेगी जब ये एक्चुअल में लॉन्च होगा, क्योंकि अगर इसके कंपैरिजन में स्मार्टफोन देखें तो ये सारी चीज़ें और बहुत एडिशनल चीज़ें जो है आजकल के मॉडर्न स्मार्टफोन्स कर लेते हैं, तो मेरे को नहीं पता कि इसका प्लेस कहाँ पे होने वाला है। रूरल एरिया या फिर रिमोट एरियाज़ जहाँ पे अभी तक स्मार्टफोन इतना रीच नहीं हुआ है वहाँ पे शायद से ये चल जाए, पर सिटीज़ में मेरे को थोड़ा सा ये मुश्किल लगता है। आपको क्या लगता है ये जियो बुक के बारे में, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी आज का वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, 100 लाइक्स का एम हर वीडियो को है उसको कंप्लीट करवा देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, जिसको भी टेक
रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्ट है। बाकी नए हो चैनल पे सब्सक्राइब एंड फॉलो अभी तक नहीं किया तो फटाफट से कर देना, और मैं मिलूंगा आपको अगले और एक्साइटिंग वीडियोस में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।